मरीज के ऊपर चिल्ला रहे हैं। इस समय की स्थिति है सर कि यहाँ बहुत बीमारी है, इनको ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन कुल मिल रहा है, इनको नहीं मिल रहा है। सरकार कहती है ऑक्सीजन उपलब्ध है। आपका नाम क्या है? क्या हुआ, क्या कहते, पूरा हादसा बताइएगा। हाँ, उनकी सांस बराबर चल नहीं रही थी, उनको ऑक्सीजन की जरूरत थी। हम लोग यहाँ से सरकारी हॉस्पिटल लेकर गए, हॉस्पिटल वहाँ लेकर गए तो उनको 3-4 इंजेक्शन लगा, वो भी बहुत ज़्यादा बोलने के बाद कि उनको देखो उनका इमरजेंसी केस है। फिर उसके बाद में इंजेक्शन लगाने के बाद भी उनको कोई सुकून नहीं, तो बोले कि ऑक्सीजन उनको लगा दीजिए, तो बोले ऑक्सीजन का क्या नाम है, अभी खाली है नहीं, अभी मिल नहीं सकता। और फिर एक आदमी ख़त्म हो गया, मर गया, फिर उसका ऑक्सीजन मास्क निकाल के दूसरे आदमी को लगा दिया जा रहा है। बल्कि मैं इस चीज़ का बोली भी कि उनको वो मास्क को सैनिटाइज कर दो जरा, तो बोले तुम अपने पेशेंट से मतलब रखो, तुमको दूसरे पेशेंट की ज़रूरत नहीं पूछने की या बताने की। और मेरे को ये बोल के वो चुप करा दिए, तो उनकी मगर तबीयत गड़बड़ हो ही रही थी, कुछ आराम नहीं था उनको, तो हम लोग वहाँ से निकाल दिए। तब भी उनको कुछ सुकून नहीं था, फिर हम लोग हॉस्पिटल वहाँ प्राइवेट में लेके गए, तो वहाँ उनकी पल्स रेट एकदम बैठ गई थी, ऑक्सीजन भी एकदम डाउन हो गया था, 0% आ गया था। नहीं तो आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ने बोला आपका पेशेंट डेड है या आपको प्राइवेट हॉस्पिटल? नहीं, उतने टाइम कुछ नहीं था, उतने टाइम हम लोग निकाल के ले गए। तीन चार यानी वहाँ पे डेथ हो चुकी थी पहले ही से, ऑक्सीजन लगाने के बावजूद भी आदमी मर जा रहा था। वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। प्राइवेट हॉस्पिटल से मरीज निकालने के बाद दोबारा आप फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मरीज लेके गई? हाँ, फिर प्राइवेट में तो वो देखे तो वो भी ले नहीं रहे थे, तो बोले कि वहाँ लेके जाओ जहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल हो, तो वहाँ पे भी नहीं वापसी आए, तो फिर सरकारी हॉस्पिटल हम लोग को लेके जाना पड़ा मजबूरन। मगर तब भी फिर वो उन्होंने फिर से चेक करे, वहाँ पे चेस्ट पे प्रेस करके भी देखे, सब कुछ करे, मगर तब भी कोई वो नहीं था, तो बताया कि एक्सपायर हो गए, तो हम लोग घर पर लेकर आ गए। फिर घर पर जब लेकर आए तो अभी इस पे ये फ्रीजर वाले फिर भी रख के 4-5 घंटे से थी इनकी बॉडी, मगर अभी भी पूरी गर्म थी बॉडी उनकी। हाँ, ठंडा सर। अपना नाम बताइए पहले। सना जी, कैसे, क्या हुआ, आपने क्या देखा? धीरे धीरे चादर हिल रही थी, तो आपने अपनी मम्मी को बताया, तो फिर जल्दी से उसको फ्रीजर में रखे, तो ऊपर का उसको हटवाया, तो फिर चेक हुआ, तो फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन भी आया और पल्स रेट भी आ गई थी। क्या नाम है आपका? मासूख। मासूख भाई, कौन थी जो आपके क्या कहते हैं और कैसे क्या हुआ? कैसे क्या हो गया भाई? देखो, मेरी भतीजी बताई कि पापा हिल रहे हैं, तो मैंने तुरंत उनको वो ऑक्सीजन वाला जो है उसको हटा के मैंने पंच किया। पंच करने के बाद दिल की धड़कन थोड़ा महसूस हुई, मैंने मुंह में हवा दी तो कुछ महसूस हुआ, तो चेक गुफरान डॉक्टर कोई हैं, उन्होंने उंगली लगा के चेक किया, पल्स चेक करने वाला, उन्होंने देखा पल्स चल रही है, तो तुरंत एम्बुलेंस लेके आएगा, अंकनकुल लेके गए, हम भेज दिया गया।